आई लोग भाई लोग भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है, तो आओ फटाफट बात कर ले। ट्रेलर देखने के बाद ना एक बात तो आई रियलाइज कि नोस्टाल्जिया फैक्टर कितना ज्यादा वर्क कर जाता है। गदर 2 में भी नोस्टाल्जिया फैक्टर वर्क कर गया था, और अभी जब ओजी मंजुलिका यानी के विद्या बालन वापस आ रही है, एंड जिस तरह से वो आमी मंजुलिका बोल रही है भाई, थिएटर ऑडियंस सीटियां तालियां तो मारेंगे ही, लेकिन उनके फटेंगे अलग से। तो एक बात तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये नोस्टाल्जिया लोगों को जरूर हिट कर जाएगा। ऊपर से भाई साहब, ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? मंजुलिका विद्या ही है ना, के माधुरी दीक्षित जी है। इधर विद्या भी बोल रही है आमी मंजुलिका, उधर माधुरी भी बोल रही है आमी मंजुलिका। पहले लड़ते हुए दिखाया जा रहा है, बाद में दोनों मस्त चिल मार रहे हैं एक साथ। भाई क्या पका रहे हो हांडी में? देखो, माधुरी दीक्षित के एक्टिंग स्किल्स को मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, एंड ये जो कास्टिंग हुई है ना माधुरी जी की, ये इस मूवी को शायद एक अलग लेवल ले जाएंगी। मैंने जब इनका प्रीमियर चल रहा था तो सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हो रहा था, तो वो देखा, माधुरी जी को पोस्टर में देखा, एंड आई वॉज लाइक चलो ये रूमर तो नहीं था। एंड नाउ ट्रेलर में भी देख लिया है। ऊपर से भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के पहले मूवी से हॉरर कॉमेडी का जो जलवा चल रहा है मार्केट में, आज हॉरर कॉमेडी पीक पे है, एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। स्त्री 2, मुंजा, भेड़िया, ये सब तो यार बाद में आए हैं, लेकिन इन सबको एक रास्ता दिखाया था अक्षय विद्या की भूल भुलैया ने, एंड ट्रेलर से तो हम हॉरर एंड कॉमेडी दोनों का अंदाजा लगा ही सकते हैं। कार्तिक आर्यन ने जब अक्षय पाजी को रिप्लेस किया था तो उन पर बहुत उंगलियां भी उठी थी, लेकिन ही प्रूव्ड इट इन सेकंड पार्ट, एंड उनका रू बाबा वाला अवतार लोगों ने फिल्म में काफी पसंद किया, एंड ही इज बैक इन दैट अतरंगी अवतार अगेन। साथ में अपने छोटे मियां भी उनकी भूत भगाओ बिजनेस का हिस्सा दिख रहे हैं, लाइक दे आर काइंड ऑफ पाखंडी बाबा जो अब प्रोफेशनली ये काम चला रहे हैं, बाबा सर्विसेज के नाम से आई थिंक। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये मूवी इसके पहले या दूसरे पार्ट से कनेक्टेड नहीं होंगी। हाँ, रू बाबा, मंजुलिका, हवेली का दरवाजा एंड म्यूजिक, ये सब फिर से यूज किया गया है ताकि एक नोस्टाल्जिया फैक्टर ऐड हो सके, लेकिन उसके अलावा स्टोरी लाइन नई तो लग रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी रक्तघाट का जिक्र हो रहा है, ऊपर से 2-2 मंजुलिका, अब ओरिजिनल कौन है इस पर ये स्टोरी घूमती नजर आ रही है। एंड ये जो नोस्टाल्जिया की बात कर रहा हूँ मैं, वो ज्यादा हिट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि रीजन नंबर 1 इसका BGM, रीजन नंबर 2 राजपाल यादव, रीजन नंबर 3 ओजी मंजुलिका, एंड 4th reason आई होप कि वो हो जाए। बस मंजुलिका आई है तो यार अक्षय पाजी को भी लाओ, भगवान भला करेगा तुम्हारा, तुम्हारी पिक्चर 2000 करोड़ पार कर जाएगी। बस अक्षय पाजी का एक छोटा सा कैमियो ही तो मांग रहे हैं हम लोग। बाकी ट्रेलर पूरा 3 मिनट 50 सेकंड का है, एंड पूरे ट्रेलर में सबसे ज्यादा मुझे हंसी आई नेटफ्लिक्स वाले जोक पे, गजब लिखा है भाई। एंड इफ यू नोटिस, क्या आपने वेलकम मूवी के मजनू भाई की पेंटिंग देखी? 43 सेकंड पे पॉज करना, पता चल जाएगा। ऊपर से तड़का लगाने नई एंट्री हुई है तृप्ति डिमरी की, आई होप कि इनकी केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर काम कर जाए। ओवरऑल आई नोटिस कि प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया है, डार्क सीन्स काफी अच्छे से उभर कर आ रहे हैं विद सम विजुअल इफेक्ट्स, एंड स्टोरी लाइन अच्छी निकल गई, तो भाई इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। बाकी विद्या एंड माधुरी जी का डांस फेस ऑफ भी हमें दिखने वाला है, एंड आई थिंक इनकी स्टोरी कहीं ना कहीं उन दोनों के पास्ट से कनेक्ट भी करवाई जाएगी। बाकी विजय राज भी मुझे दिखे एक प्रोमिनेंट रोल में, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा एक्टर है। बाकी मूवी आ रही है इसी दिवाली 1 नवंबर को। आप बताओ आपको कैसा लगा ट्रेलर, कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।